देखो भाई पूरा रौनक मेला यहाँ पे लगा पड़ा है। ओ भाई पिछवाड़ा नहीं दिखाना था यार। भाई ये एरिया तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहा है यार, क्या जबरदस्त व्यू है यहाँ से। ये वाली गाड़ी लेने आई है हमें और ये गाड़ी इतनी शानदार है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो यार, देखो कैसे टच कर करके फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं लोग यार। पूरी मार्केट सजी हुई है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ यहाँ पर। यू कैन पिक एनी गर्ल अगर आपको पसंद है तो। ब्यूटीफुल सी इवनिंग हो गई है, इवनिंग क्या रात ही हो गई है। Hey guys, once again, welcome back to Thakur Saurabh vlog। भाई आज है दूसरा दिन पताया के अंदर जो कि है बैंकॉक में, और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से जाकर देख लो, आई बटन में है लिंक उसका। और भाई आज इस ब्लॉग को शुरू करने जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ टाइगर पार्क जो कि बड़ा ही फेमस है यहाँ पे, और टिकट्स वगैरह ले ली हैं। लेकिन उससे पहले ये तो चेक कर लो कि हम किस गाड़ी में यहाँ तक आए हैं। वो गाड़ी देखोगे तो कमाल की गाड़ी है, मजा आ जाने वाला है, दिल खुश हो जाने वाला है। फटाफट से देखो और मिलते हैं सीधा टाइगर पार्क में। ये वाली गाड़ी लेने आई है हमें और ये गाड़ी इतनी शानदार है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो यार, रूफ इसकी इतनी जबरदस्त डिजाइन की हुई है ना, और इतनी स्पेशियस गाड़ी आराम से लेट के जा सकते हैं। पीछे का नजारा भी दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो कितनी सारी सीट की कैपेसिटी है भाई। यहाँ पर तीन पीछे, तीन यहाँ, तीन यहाँ। वाओ, मतलब ऐसी गाड़ी अपने इंडिया में होनी चाहिए यार, कमाल की गाड़ी है। आगे भाई टागे पाक, ये देखो कितना सही लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा। फटाफट से चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि कैसा है नजारा। देखो ये कुछ इस तरीके की टिकट मिली हमें, फटाफट से हम चलते हैं अंदर और देखते हैं टाइगर। काफी सारी पब्लिक आ रखी है, टाइगर के साथ यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट फोटोज क्लिक करवा रखे हैं लोगों ने। और इधर क्या है, इधर ओ भाई यहाँ पे है टाइगर्स। ये देखो यार, वहाँ एक टाइगर पानी के अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ खेल रहे हैं लोग, और यहाँ पर एक टाइगर लेटा हुआ है। मतलब फुल ट्रेनर तो है ही साथ में यार, लेकिन टाइगर को छूने को मिलेगा, बाप रे डर तो लग रहा है। यहाँ पे कुछ पैकेजेस दे रखे हैं इन्होंने टाइगर पार्क के, पूरा पैकेज इधर है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बियर सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं हम, लाइक इस तरीके से सिंगल सिंगल पैकेज में भी ले सकते हैं अगर हमारे को इतने पैसे नहीं खर्चने हैं, क्योंकि ये जो है वो थाई बाट के अंदर दिए हुए हैं, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा ही होने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेज भी सिंगल ले सकते हैं। और भाई टाइगर पार्क में जाने से पहले ना फटाफट से एक एनओसी साइन करवाई जाती है, जिसमें लिखा होता है कि भैया अगर टाइगर ने अटैक किया तो रिस्पॉन्सिबल आप ही होने वाले हो, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो अपने रिस्क पे अंदर जाना है और हम जाएंगे बड़े टाइगर से मिलने। जिन लोगों ने पैकेज लिया है ना, उनके पैकेज में अगर ये इंक्लूड है फोटोग्राफर, तो इस तरीके से देखो फोटोज वगैरह क्लिक होती है टाइगर के साथ, और ऐसे फ्रेम वगैरह करवा के भी यहाँ से आपको मिल सकता है। बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है यार देखने में तो। ये देखो ये फॉरनर्स है, हम भी तो वही हैं एक्चुअली अभी फिलहाल। ये बना रखा है एक वेटिंग लॉन्ज एरिया में समझ लो, या फिर थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेने के लिए कुछ सीन बना रखे हैं यहाँ पे। सीन क्या, पूरा एरिया बना रखा है, और अभी हम लोग अंदर की तरफ निकलते हैं। थोड़ा सा वेटिंग तो रहता ही है भाई, बहुत सारे केज बना रखे हैं यहाँ पे टाइगर्स के लिए, और भीड़ बहुत है। मतलब टाइगर को देखने के लिए स्पेशली कितने बंदे आए हुए देख रहे हो अंदर जाने के लिए। और अभी हम भी लाएंगे, अपनी लाइन में लगेंगे फटाफट से, मिलेंगे एक आठ टाइगर से। बस अपना जो टिकट है वो बड़े वाले टाइगर के साथ है, ज़्यादा ही बड़ा है वो कुछ, और थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि यार शेर के सामने जाना है, उससे छेड़खानी करनी है, थोड़ा सा तो डर लगता है, लेकिन भाई देखा जाएगा। ये देखो एक टाइगर यहाँ पे सो रहा है, जगह जगह टाइगर ही टाइगर सो रहे हैं। अब टाइगर सफारी के लिए कुछ इस तरीके की गाड़ी लेके जाने वाली है, पूरी पैक्ड है। और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पंजों के निशान बनाए हुए हैं टाइगर के, ये बनाए हुए हैं, मारा तो नहीं है, पैक्ड है चारों तरफ से कि शेर अटैक वटैक ना कर दे। बढ़िया सी लग रही है, फुल पैक फुल प्रूफ के साथ जाएंगे, बच के आएंगे। भाई गाड़ी हमारी दरवाजे के पास पहुंच गई है, अब देखो धीरे धीरे गेट खुल रहा है, शेरों के पास चली अपनी गाड़ी। ये देखो भाई अभी हमारी एंट्री ही हुई है, और एक महाशय, यो भाई इतना बड़ा शेर हमारा इंतजार कर रहा है। ओ ये तो पास आ गया भाई अपने, अरे भाई चला भी गया मुंह फेर के। ओ भाई पिछवाड़ा नहीं दिखाना था यार, ये गलत किया तूने हमारे साथ। एक टाइगर देखो यहाँ बैठा हुआ है पानी में, आराम से जिंदगी के मजे तो ये ले रहा है, गर्मी में पानी की ठंडक का मजा। फोकस हो जा भाई, हो गया, ये देख रहे हो। देखो भाई एक और टाइगर जगह जगह पड़े हुए हैं, ये तो मूव हो रहा है थोड़ा बहुत, पिछले वाला तो मूव ही नहीं हो रहा था। हेलो टाइगर भाई साहब, छोटे मोटे टाइगर नहीं रखे इन्होंने, बड़े बड़े रखे हुए हैं, सही है। और इसकी मूछें तो नत्थू लाल वाली है भाई साहब। टिकट में गुर्राना वगैरह इंक्लूड नहीं था क्या, आप तो एकदम शांत बैठे हो यार। अबे इंसानों का मीट दिख रहा है भाई, कुछ तो बोल। सवारी आगे निकल गई भाई, ये टाइगरों ने तो भाव नहीं दिया हमें, बिल्कुल भी नहीं गुर्रा है। अब देखते हैं आगे कुछ मिलता है क्या। ये देखो हम गाड़ी लेके इसके पास जा रहे हैं, और ये हमसे दूर, इस वाली को हमसे कुछ खास लगाव है नहीं, और तेज़ हो गई, अब बीच में से निकल जाएगी। भाई ये क्या मजाक चल रहा है यार, ये तो भाव ही नहीं दे रही, अरे लुक तो दे दे एक भाई। अभी ना जैसे गेट खुले थे फर्स्ट टाइम, वैसे एक बार गेट खुल रहा है, देखो यहाँ पे अभी गेट खुलेगा और इसके बाद हम दूसरे जोन में जाएंगे। मुझे तो लगा कि ओवर हो गया भैया पैसे बर्बाद, लेकिन दूसरा जोन भी है, 11 टाइगर बताए उन्होंने टोटल यहाँ पर है। ये मिला भाई टाइगर, ये बंदा लुक दे रहा है फुल। भाई साहब इधर देखो, पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचेगी आपकी। हाँ हाँ
हेलो टाइगर भाई, घूर रहा है और डर भी लग रहा है, आंखें कितनी भयंकर हैं यार इसकी। ये देखो कुछ टाइगर और मिले हैं, आलस की दुकान है ये, पूरे पूरे आराम से नींद का मजा ले रहे हैं। भाई पैसे दिए यार हम लोगों ने, कुछ तो करो यार। एक और गेट खुल रहा है भाई, और ये थर्ड जोन होने वाला है, और इनके मुताबिक ड्राइवर भाई साहब के मुताबिक है कि ये 3 जोन्स में बटा हुआ है और 11 टाइगर हैं। देखते हैं ये लास्ट है या आज के आगे भी कुछ है। अगले जंगल में हमारे आने से पहले एक और गाड़ी आई हुई है, अभी देखना आगे की तरफ। ये देखो एक और गाड़ी खड़ी है और ये टाइगर्स देख रहे हैं। बस ये है कि यहाँ पर टाइगर दिख रहे हैं बस, और कुछ हो नहीं रहा एक्साइटिंग सा। ये देखो एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है। ये हम ना गलत टाइम पे आ गए हैं, आफ्टरनून में ना इनका ये रेस्ट का टाइम है। भाई इन शेरों को देख के ना बस एक ही चीज़ का अब हो रहा है कि अभी तो ये कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि अभी गाड़ी वाड़ी के अंदर ये पड़े हुए हैं, और अभी जब लाइव उसके सामने जाना है, वो भी सबसे बड़े वाले शेर से मिलने वाले हैं हम, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो बहुत बहुत बोल रहा हूँ, उस टाइम पे बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा ये भी नहीं पता। कितने जोश में जा रहा है भाई, देखो अभी चला भी गया। खत्म हो गई भाई हमारी टाइगर सफारी, मजे नहीं आए इतने ज्यादा, क्योंकि नॉर्मल सा था, ठीक ठाक है। ये देखो भाई पिंजरे में बेचारे को बंद किया हुआ है, एकदम लोगों के पास बैठा हुआ है, एकदम फोटो लुक देना भाई साहब। हेलो, साफ साफ लिखा हुआ है, वार्निंग दी हुई है, टाइगर अगर सुसु कर देना तो दूर रहना उससे। देखो यहाँ पर ना ये बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिग मीडियम, तो हर जगह केज बने हुए हैं अलग अलग, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से केज में कौन सा शेर मिलेगा। इसमें मीडियम बना हुआ है, और हम जाने वाले हैं बिग वाले के अंदर, क्योंकि हमारा नंबर आ चुका है, और बिग वाले में जाएंगे, शेर से मिलेंगे लाइव। और ये देखो किस तरीके से आराम से चढ़ के बैठा हुआ है भाई, हार्ट बीट हो गई तेज, क्योंकि अब ना हम केज के अंदर आ गए हैं, और अभी ये वाला दरवाजा खुलेगा जब कुछ लोगों का नंबर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा नंबर आएगा, और उसके बाद हम शेर के पास जाएंगे। और अजीब से स्मेल भी है यहाँ पे, यहाँ पर बैग वैग अलाउड नहीं है कुछ भी, अंदर कुछ लेके नहीं जा सकते, मोबाइल फोन का जो फ्लैश वगैरह है वो भी बंद, फोन साइलेंट, कोई वीडियो कॉल, कोई फोन कॉल नहीं, बहुत सारे रूल हैं। और शेर के आगे नहीं जाना है, सबसे बड़ी बात है पीछे ही रहना है हमें, और उसके पंजे बिल्कुल टच नहीं करने, और फेस के पास तो हाथ देना ही नहीं है, वरना हाथ ही नहीं बचेगा, अगली बार दोगेगा। बाप रे, कैसा लगा अंदर जाके, मजा आ गया भाई? कुछ लोग कह रहे हैं डर लगता है, कुछ कह रहे हैं नहीं लगता है, मेरे को तो लग रहा है भाई। यहाँ पे फीमेल पार्टी बोल रही है डर नहीं लगता, मेल पार्टी कह रही डर लगता है, उल्टा चल रहा है। अरे बाप रे, भैया आ गया अंदर फाइनली, और अभी तो ये केज में है, और ये तब भी मुझे इतनी बुरी तरह घूर रहा है, और अभी जहाँ मैं जाने वाला हूँ वहां पर शेर बिल्कुल मेरे पास, मतलब मैं उसे हाथ लगा सकता हूँ। ये कितना बड़ा है भाई, बाप रे बहुत बड़ा शेर है यार ये। भाई ये मेन बारी आ गई है बिल्कुल पास में जाने की, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ मैं। ये देखो भाई कैसे, वो एक वहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, और ये स्विमिंग पूल है शेर का, और अभी हम पास जाने वाले हैं शेर के। भाई मुझे लग रहा है थोड़ा सा डर, क्यों भयंकर गुर्राया था यार अभी। देखो कैसे टच कर करके फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं लोग, यार डेयर है भाई। भाई शेर को टच किया पहली बार लाइफ में, शेर को छूने को मिला है, मतलब मौत को छूके टक से वापस आने वाली फीलिंग आई, क्योंकि जब वो गुर्राया तो ऐसा लगा कि भाई अब तो मैं गया। ये पीले पीले दांत, ये भयंकर से दांत, इतना बड़ा जबड़ा यार। भाई बहुत गर्मी हो रही है, और ये नारियल पानी मतलब एक सुपर नेक्स्ट लेवल मीठा और अमेजिंग है, मजा ही आ गया। और बाकी हमारी फोटोज वगैरह प्रिंट होके आ गई हैं, फोटो के 300 बात बोल रहे हैं। अब 300 बात तो भाई एक फ्रेम के सिंगल के थोड़ा सा महंगा ही लग रहा है मेरे को, तो लूंगा नहीं लूंगा, देखते हैं फोन में से निकाल लेंगे। वी आर बैक अगेन इन द वैन, बहुत खतरनाक वाली में। थोड़ा सा बीच एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि पूरा दिन गर्मी में निकला है, तो अभी ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं, थोड़ा सा बैठेंगे उसके बाद आगे की तरफ देखते हैं क्या होता है। 70 बात का हुआ ये, 70 बात का है,
अपने 60 रुपए का मिलता है ना अपने यहाँ पे, यहाँ पे 70 baht, मतलब कि अपने इंडियन रुपीज में 175। काफी लंबी वॉक की है भाई ठंडी ठंडी हवाओं के बीच, बीच साइड में, और अब पहुंच गया सेंट्रल पतिया मॉल के पास, पतिया या पताया जो भी कह लो, और अब इस मॉल के अंदर जाके देखते हैं कैसा है। बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई ये एरिया तो, और भी ज्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहा है यार, क्या जबरदस्त व्यू है यहाँ से। भाई काफी ना डिफरेंट सी आइसक्रीम है, प्रोसेस दिखाया बनाने का कैसे बनता है, खाया ना आइसक्रीम नहीं है ये मेरे हिसाब से, मीठी नहीं है भाई। ब्यूटीफुल सी इवनिंग हो गई है, इवनिंग क्या रात ही हो गई है, और काफी सही सा लग रहा है देखने में, मतलब रौनक हो गई है, जगमगा रहा है पूरा बीच के साइड में, बिल्कुल वहां पर मार्केट लग चुकी है, जो मार्केट लगती है लास्ट वीडियो में देखना कौन सी मार्केट लगती है। बाकी यहाँ पर अंदर बोट्स वगैरह हैं, बहुत अच्छा शांत सा एनवायरमेंट लग रहा है। फिर से टहलते टहलते बैंकॉक कह रहा हूँ पताया की पहुंच गए वॉकिंग स्ट्रीट पे अगेन। आप इससे दूर हो ही नहीं सकते, मतलब आप चलते फिरते यहाँ पहुंच ही जाओगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्लब्स हैं, नाइट लाइफ है यहाँ पे, मेन नाइट लाइफ पताया में यहीं पर है, जिसका नाम है वॉकिंग स्ट्रीट, और ये बहुत जबरदस्त है। तो भाई वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, और पहुंच चुके हैं अपने होम स्वीट होम वाले रूम के अंदर, ये ब्यूटीफुल से रूम में, और अब वीडियो को यहाँ पर एंड करने वाला हूँ। लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई, अगर चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि घूमने की जगह तुम्हारा भाई दिखाता रहता है हमेशा ही। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक करो, जो भी जगह दिखाई है एक्सप्लोर करने के लिए बताइए, अगर वो अच्छी लगी तो कमेंट बताओ कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आप लोगों को। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।